मुरादाबाद लखीमपुर खीरी में बवाल के बाद किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां आंदोलित हैं। विभिन्न दलों के नेता हाईवे से लखीमपुर खीरी की ओर जा रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। वहीं मौके पर डीएम, एसएसपी और एसपी सिटी भी पहुंच गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम नेता हाईवे से लखीमपुर की ओर जा रहे हैं। इससे मुरादाबाद का माहौल भी खराब होने की आशंका बनी हुई है। आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। हाईवे पर पागोड़ा से लेकर मुंडा पांडे तक फोर्स तैनात की गई है। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में पड़ने वाले नियामतपुर इक्टोरिया टोल प्लाजा पर रात से ही पुलिस का कड़ा पहरा है। रात में ही भाकुई नेता राकेश टिकेत टोल प्लाजा पर पहुंचे तो किसानों ने उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने राकेश टिकेत को समझा बुझाकर वापस भेजने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद से टोल प्लाजा पर मुंडा पांडे थाने की पुलिस के साथ साथ पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है। हाईवे से गुजरने वाले सभी सवारी वाहनों की जाँच की जा रही है ताकि कोई नेता लखीमपुर पहुंचकर वहां का मॉल खराब ना कर सके। सोमवार सुबह से ही पुलिस टोल प्लाजा पर सतर्कता बढ़ा दी है। एसएसपी बबलू कुमार ने खुद टोल प्लाजा पर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लंबी लाइन लग गई। जिलाध्यक्ष जनपद मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय लोकदल। सर आज ये मुंडा पांडे टोल पे जो आपको रोका गया, क्यों रोका गया, क्या वजह? कल इस देश की केंद्र के गृह मंत्री ने हमारे किसान भाइयों के ऊपर कारें चढ़ा दी, उनमें 8 लोग शहीद हो गए। हम उनका पता लेने जा रहे थे तो हमें यही रोक दिया गया। पहले हमें पीछे रोक दिया गया, अब हमें यहाँ रोक दिया गया। ये किसान विरोधी सरकार, ये मजदूर विरोधी सरकार, ये तानाशाही की सरकार हमें वहाँ भी जान दे रही अपने किसान भाइयों का पता लेने के लिए। हम उनका दुख दर्द बांट सके। आप किस टाइम से रुकोगे, कितने टाइम हो गए आपको यहाँ पर? यहाँ हमें 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से हमें यहाँ रोका गया। अगर नहीं जाने देते तो आगे क्या रहेगा आपका? नहीं जाएंगे, किसी सूरत में जाएंगे, कल तक जाएंगे, जाएंगे जरूर। उनका पता लगे, अपने भाइयों के पास जाएंगे जरूर। अच्छा ठीक है। बाकी ट्रैफिक का पूरी तरह सामान्य करने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं और ट्रैफिक लगने का सामान्य। सर कुछ आरएलडी के वर्कर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पे, उनको भी डिटेन किया गया है? देखिए उन लोगों को, जो लोग यहाँ पर थे, क्योंकि यातायात में उससे हो रहा था तो उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ से उनको मौके से हटाया।